हाई एवरी वन आई एम करण मशरू वेलकम टू दिस वीडियो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लिटकोड वीकली कंटेस्ट थ्री थर्टी का प्रॉब्लम सी दैट इज पुट मार्बल्स इन बैग्स एज ऑलवेज लेट स्टार्ट बायरस्टिंग द क्वेश्चन you have k bags you are given a zero index integer array weights where weights of i is the weight of the ith marble you are also given an integer k theek hai kya bola gaya hai ki hame hamare paas k bags hai aur k jo hai wo input mein diya gaya hai aur ek integer array diya gaya hai weights करके जहाँ पे weights of i क्या denote करता है जो ith marble है उसका weight कितना है ये denote करता है ठीक है डिवाइड द मार्बल्स इन टू के बैग्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स तो हमारे पास जो ये मार्बल्स है ठीक है ना लेटेस्ट एन एज देंथ ऑफ दिस तो हमारे पास जो एन मार्बल्स है हमें उसको के बैग्स में डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स फिर नीचे तीन रूल्स दिए गए हैं फर्स्ट नो बैग इज एम टी कोई भी बैग एम टी नहीं रहना चाहिए मतलब हर एक बैग में कम से कम एक मार्बल आ जानी चाहिए सेकेंड

अगर इन दोनों को हम एक बैग में डालते हैं तो इन दोनों के बीच में भी जितने इंडेक्सेस है ये सारे मार्बल्स भी सेम बैग में जाने चाहिए ठीक है एंड थर्ड इफ अ बैग कंसिस्ट ऑफ ऑल दी मार्बल्स विद एन इंडेक्स i टू j इंक्लूसिव देन द कॉस्ट ऑफ द बैग इज वेट्स ऑफ i प्लस वेट्स ऑफ j तो अगर किसी बैग में मान लो i से लेके j इंडेक्स तक की मार्बल्स है तो उस बैग की कॉस्ट क्या होगी उस बैग की कॉस्ट होगी वेट्स ऑफ आई प्लस वेट्स ऑफ जे जो कि हमें इनपुट में इस शहरे में दिया गया है मतलब कि अगर एक कंजीक्यूटिव सेगमेंट है तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ दैट सेगमेंट एंड एंडिंग एलिमेंट ऑफ दैट सेगमेंट उन दोनों के वेट का सम होगा उस कॉस्ट uh, उस बैग का कॉस्ट the score after distributing the marbles is the sum of the cost of all the k bags so the score after dis after distributing all the marbles in all uh, in among k bags the score of that distribution is nothing but the summation of the costs of all the bags okay? रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्कोर तो अब ये जो मार्बल्स है फॉलोइंग द रूल्स डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं अमॉन्ग के बैग्स तो उसकी वजह से ये जो स्कोर वैल्यू है दैट इज द समीशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑल द बैग्स वो ज़्यादा कम हो सकती है तो वो जितने भी पॉसिबल स्कोर वैल्यू है उसमें से जो मैक्सिमम स्कोर है और मिनिमम स्कोर है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें बताना है ठीक है ना और यहाँ पे कंस मैंने लिख दी है आई होप क्वेश्चन क्लियर अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे लेटर सपोज कि हमारे पास एन मार्बल्स है ठीक है ना वेर एन इज नथिंग बट डॉट साइज मतलब कि जो मार्बल्स के वेट का जो एरे है उसकी लेंथ के बराबर जितने मार्बल्स होंगे उतने वेट हमारे पास है सो एन लेट एन बी द नंबर ऑफ मार्बल्स हमें क्या करना है इन एन मार्बल्स को के नंबर ऑफ बैग्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है फॉलोइंग सम रूल्स नाउ उन रूल्स को फॉलो करते हुए भी हमारे पास काफी वेरिएशन हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के तो उन डिस्ट्रीब्यूशन का एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर है जो कि कैलकुलेट करना है नाउ आउट ऑफ ऑल दी पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन हमें मैक्सिमम जो स्कोर अचीवेबल है और जो मिनिमम स्कोर अचीवेबल है उन दोनों के बीच का डिफरेंस भेजना है तो सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा ठीक से समझते हैं फिर ये सोचेंगे कि मैक्सिमम स्कोर कैसे अचीवेबल है फिर सोचेंगे मिनिमम स्कोर कैसे अचीवेबल है एंड देन उन दोनों का डिफरेंस रिटर्न कर देंगे ठीक है ओके अब एक बात समझो यहां पे तीन रूल्स बताए गए थे हमें ये एन मार्बल्स को के बैक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके लिए हमें तीन चीजें फॉलो करनी थी पहली चीज क्या थी कि कोई भी बैग एम्प्टी नहीं रहना चाहिए मतलब कि सारे के सारे के बैग्स में कम से कम एक मार्बल होनी चाहिए सेकंड रूल ये था कि अगर आयत और जेथ मार्बल सेम बैग में है अगर मान लो ये दोनों सेम बैग में है तो उन दोनों के बीच में भी जितने मार्बल्स हैं वो उसी बैग में होने चाहिए ठीक है थर्ड रूल क्या था कि अगर आय से लेके छह तक के मार्बल्स एक बैग में हैं तो उस बैग का कॉस्ट हो जाता है वेट ऑफ आई प्लस वेट ऑफ जे मतलब कि वो जो एक आई से लेके जे तक के हमने डिस्ट्रीब्यूट किए मार्बल्स उस बैग में उसका फर्स्ट मार्बल और लास्ट मार्बल के वेट का सम ठीक है अब यहाँ पे एक चीज़ समझो इसका मतलब हमें जो मार्बल्स का एरे दिया गया है अगर हम मार्बल्स का डिस्ट्रीब्यूशन के बैग्स में अगर करें तो और एक चीज़ फाइनली स्कोर क्या होगा स्कोर वुड बी नथिंग बट दमीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल दी के बैग्स ठीक है ना फॉर अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नाउ एक बात समझो हमें यहां पे सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है कि अगर आइथ मार्बल और जेथ मार्बल सेम बैग में है तो उसके बीच के सारे मार्बल्स उसी बैग में होने चाहिए इसका मतलब आप एक बात समझो एक पर्टिकुलर बैग में सिर्फ वही मार्बल्स हो सकते हैं जो कंटिन्यूस आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कॉन्ट्रेडिक्शन सोचता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है तो लेट अस सपोज कि यहाँ से कुछ मार्बल्स मैंने एक बैग में डाले और यहाँ से कुछ मार्बल्स एक बैग में डाले लेकिन अब जैसे ही मैं इस रूल टू को फॉलो करूँगा तो इनके बीच के भी सारे मार्बल्स को मुझे उसी बैग में डालना पड़ेगा इसका मतलब सारे के सारे मार्बल्स जो है वो ए, एक ही बैग में जाएंगे एक कंटिन्यूस सेगमेंट जो है वो पूरा एक पर्टिकुलर बैग में जाएगा ऐसा नहीं होगा कि यहां से कुछ गए यहां से कुछ गए एंड बीच में से नहीं गए तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि जो वेट्स का एरे है उसको मुझे के कंटिन्यूस सेगमेंट्स में डिवाइड करना है वेर ईच सेगमेंट वुड रिप्रेजेंट अ बैग और उस सेगमेंट का कॉस्ट निकालना है और ऐसे सभी के कंटिन्यूस सेगमेंट का जो कॉस्ट का सम होगा वो मेरा स्कोर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक है ना तो हमें क्या करना है ये जो वेट्स का एरे दिया गया है उसको के कंटिन्यूस सेगमेंट्स में डिवाइड करना है और ये जो सेगमेंट्स से है वो अलग अलग बैग हो जाएंगे क्योंकि एक बैग में कंटिन्यूस मार्बल्स ही आ सकती है ठीक है और एक चीज यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग हो सकती है वो क्या है अगर एक पर्टिकुलर बैग में आई से लेके जे तक के मार्बल्स है तो वो जो है बैग उसका कॉस्ट हो जाता है वेट ऑफ आई प्लस वेट ऑफ जे मतलब कि इस कंटिन्यूस सेगमेंट का स्टार्टिंग एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट अगर एक ही एलिमेंट होगा तो वो दो बार आएगा ठीक है ना ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट है तो एक बार आएगा अगर इंडेक्स आई अकेला कोई बैग में है तो इस बैग का कॉस्ट क्या हो जाएगा वेट ऑफ आई दैट इज द स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ दिस सब सेगमेंट प्लस वेट ऑफ आई ये खुद ही स्टार्टिंग एलिमेंट है यह खुद ही एंडिंग एलिमेंट है ठीक है ना तो एक एलिमेंट है तो वो खुद ही स्टार्टिंग और एंडिंग हो जाएगा और यह उसका कॉस्ट होगा ठीक है तो ये हमें समझ में आ गया कि हमें एरे को के कंटिन्यूस पार्ट में डिवाइड करना है और उनका कॉस्ट क्या होगा इंडिविजुअली स्टार्टिंग एलिमेंट प्लस एंडिंग एलिमेंट अगर एक ही एलिमेंट है तो वो दो टाइम्स आ जाएगा अब हमें क्या करना है आउट ऑफ और स्कोर है समेशन ऑफ कॉस्ट अब आउट ऑफ ऑल दी पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन हमें मैक्सिमम जो स्कोर अचीवेबल है और जो मिनिमम स्कोर अचीवेबल है उन दोनों के बीच का डिफरेंस भेजना है राइट तो अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर कैसे अचीवेबल है अब यहां पे अगर आप थोड़ा और ध्यान से सोचोगे तो किसी भी बैग का कॉस्ट क्या है अगर मैं कंटिन्यूस सेगमेंट लूँ बैग में मार्बल्स का तो स्टार्टिंग एलिमेंट प्लस एंडिंग एलिमेंट और हमने क्या बोला कि हमें के कंटिन्यूस सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा इस एरे को एन मार्बल्स को तो अगर ये जो है मान लो आईथ इंडेक्स है वो है इस बैग का एंडिंग पॉइंट तो आई प्लस वन इंडेक्स होगा वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा तो जब मैं इसका कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट प्लस एंडिंग पॉइंट मतलब कि आइथ इंडेक्स का कॉस्ट आ जाएगा जब मैं उसके बाद वाले बैक का कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब आई प्लस वन और एंडिंग पॉइंट दो कैलकुलेट दोनों आएंगे ठीक है अगर मैं अगर बीच में किसी दो बैक्स की बात करूं तो अगर ये आइथ इंडेक्स पे एंड हो रहा है और ये आई प्लस वन पे स्टार्ट हो रहा है तो इसका जो कॉस्ट होगा वो होगा स्टार्टिंग एलिमेंट मतलब ये वाला प्लस वेट ऑफ आई थी इंडेक्स क्योंकि ये इसका एंडिंग पॉइंट है और इसका अगर मैं कॉस्ट देखूं तो वो क्या आएगा स्टार्टिंग एलिमेंट मतलब कि वेट ऑफ आई प्लस वन प्लस एंडिंग एलिमेंट जो भी यहाँ पे होगा अब स्कोर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का दैट इज समेशन ऑफ कॉस्ट इसका मतलब जब मैं समेशन लूंगा तो जब मैं सभी का सम करूंगा तो उसमें वेट ऑफ आई भी होगा और वेट ऑफ आई प्लस वन भी होगा इसका मतलब अगर मैं आई प्लस वन को स्टार्टिंग पॉइंट बना रहा हूं तो आई एंडिंग पॉइंट होगा किसी और के लिए या तो मैं ऐसा कह सकता हूं अगर मैं आई इंडेक्स को एंडिंग पॉइंट बना रहा हूं तो आई प्लस वन स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसी के लिए यह किस में यूज होगा ये स्कोर को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने में यूज होगा कैसे देखो हमें मिनिमम स्कोर और मैक्सिमम स्कोर फाइंड करने है ठीक है ना तो एक बात समझो फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स तो हमेशा आएंगे ही मतलब कि ये मेरा एरे है ठीक है ना अब ये जो फर्स्ट इंडेक्स है वो स्टार्टिंग एलिमेंट होगा ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट तो ये तो आएगा ही ठीक है ना आंसर इक्वल टू वेट ऑफ जीरो और ये जो लास्ट एलिमेंट है वो एंडिंग इंडेक्स होगा ऑफ द लास्ट सेगमेंट और किसी भी सेगमेंट का कॉस्ट क्या है स्टार्टिंग का वेट प्लस एंडिंग का वेट तो ये भी आएगा ही बिकॉज इसका स्टार्टिंग प्लस एंडिंग में लूंगा तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया इसका स्टार्टिंग प्लस एंडिंग में लूंगा तो एंडिंग ये हो गया एंड ऑफ कॉस्ट है वही स्कोर है ठीक है लेट मी टेक योर स्कोर ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ तो ये दो एलिमेंट तो हमेशा आएंगे ही आएंगे अब मैं ये कह सकता हूं कि मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे डिसाइड कर लिया दैट इज वेट्स ऑफ जीरो है ना तो इसका मतलब मुझे रिमेनिंग के माइनस वन स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे अगर इक्वल टू थ्री है तो एक ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया अब मुझे दो और स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि K3 का मतलब तीन कंटिन्यू सेगमेंट मतलब तीन स्टार्टिंग पॉइंट तो एक स्टार्टिंग पॉइंट तो सिलेक्ट हो गया लेट मी टेक दिस लेटमी द सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द थर्ड स्टार्टिंग पॉइंट अब इसका एंडिंग पॉइंट फिक्स है

और उनका स्कोर हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे प्लस वन और आई एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है मुझे के माइनस वन स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और एंड जैसे ही मैं स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करूंगा तो एंडिंग पॉइंट उसके प्रीवियस सेगमेंट का ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं और कौन कौन से स्टार्टिंग पॉइंट पॉसिबल है i इक्वल टू वन से लेके n माइनस वन सभी पॉसिबल है क्योंकि ये तो अब नहीं हो सकता स्टार्टिंग पॉइंट ये तो एक आ गया तो जब भी मैं कोई इंडेक्स i को स्टार्टिंग पॉइंट मानूंगा तो वो स्कोर में कितना एडिशन करेगा वो एडिशन करेगा वेट ऑफ i प्लस वेट ऑफ i माइनस वन का बिकॉज ये एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा प्रीवियस सेगमेंट का तो मैं क्या कर सकता हूं मैं यहां पे i इक्वल टू वन से लेके n तक वेट ऑफ i प्लस वेट ऑफ i माइनस वन ये जो कंजिव एलिमेंट्स है उनका सम स्टोर कर सकता हूं किसी एरे में ठीक है ना अब उनमें से k माइनस वन मिनिमम वैल्यूज में लूंगा और उसको मिनिमम स्कोर कैलकुलेट करने में यूज करूंगा ये जो भी पेयर्स पॉसिबल है i इक्वल टू वन से लेके n माइनस वन तक इसको मैं स्टोर कर लूंगा और इनमें से k माइनस वन मिनिमम वैल्यूज जो होगी उसको मैं यूज़ करूंगा टू फाइंड द मिनिमम स्कोर क्योंकि k माइनस वन स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करने हैं एक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है एंड इसमें जो k माइनस वन मैक्सीम वैल्यूज़ होगी उसको मैं यूज़ करूंगा टू कैलकुलेट द मैक्सिमम स्कोर वो मुझे मैक्सिमम स्कोर दे देगा जैसे आई इंडेक्स को स्टार्टिंग पॉइंट लिया तो आई माइनस वन एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा उसके पहले का तो ये पेयर वाइज का सम ही मैं स्टोर कर देता हूँ और के माइनस वन मैक्सिमम वैल्यूज और के माइनस वन मिनिमम वैल्यूज का यूज करके मैं मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर रिस्पेक्टिवली निकाल लूंगा और उन दोनों का डिफरेंस रिटर्न कर दूंगा आई होप कंसेप्ट क्लियर अब इंप्लीमेंटेशन देखते थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा So before moving on to the implementation I would like to tell that India upskill scholarship program is live at Newton school under which Newton school is giving away scholarships worth 30000 rupees on selected courses from 25th of January to 31st of January 2023 learn the highly demanded skills like data science machine learning software development etc from the industry experts टेशन so, की बात करें तो हमने क्या देखा था कि हम एक काम करते हैं मिनिमम स्कोर ए वन में स्टोर करेंगे मैक्सिमम स्कोर ए टू में स्टोर करेंगे नाउ इन दोनों में ट्स का पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट तो आएंगे ही जैसा हमने डिस्कस किया था तो ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू वेट्स ऑफ जीरो क्या करना है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया है तो रिमेनिंग के माइनस वन स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करने हैं और हमने डिस्कस किया था कि अगर आईथ को स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो आई माइनस वन एंडिंग पॉइंट हो जाता है प्रीवियस सेगमेंट का ऑटोमेटिकली इसलिए हमें i एंड i प्लस वन का जो कॉम्बिनेशन है वेट्स का समेशन उनको स्टोर करना पड़ेगा ठीक है ना और फिर उनमें से k माइनस वन मिनिमम और k माइनस वन मैक्सिमम वैल्यूज लेंगे तो मैं एक काम करता हूं मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ b ठीक है ना इसमें मैं देखो i इक्वल टू जीरो तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और कौन कौन से स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं आई इक्वल टू वन से लेके n माइनस वन तक सभी हो सकते हैं सो so फॉर अगर Ith को स्टार्टिंग पॉइंट बनाऊंगा तो वो स्कोर में कितना एडिशन करेगा वेट्स ऑफ आई प्लस वेट्स ऑफ आई माइनस वन जितना ठीक है ना अब ये मैंने स्टोर कर लिया अब मैं क्या करूंगा बी को शॉर्ट कर दूंगा अब जैसे ही मैंने शॉर्ट किया तो ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया तो इसकी के माइनस वन मिनिमम वैल्यूज मुझे मिलेगी जो कि मुझे मिनिमम स्कोर देगा सो फॉर आई इक्वल टू जीरो आई इज लेस देन के माइनस वन आई प्लस प्लस ए वन इक्वल्स टू ए वन प्लस बी ऑफ आई अब मुझे इसकी के माइनस वन मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए तो एक काम करते हैं इसको रिवर्स कर देते हैं रिवर्स बी फॉर आई इक्वल टू जीरो i is less than k minus 1, i plus plus a2 equals to a2 plus b of i. तो ए टू में मैक्सिमम स्कोर आ गया ए वन में मिनिमम स्कोर आ गया अब हम ए टू माइनस ए वन को रिटर्न कर देंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक दो लूप लग रहे हैं और बाकी एक दो बार एक बार शॉर्टिंग लग रहा है तो मैं कह सकता हूँ एन लॉग इन वेर एन इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दी वेट्स एरे और ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है इसका सोल्यूशन कोड मैंने अकाउंट्स में प्रोवाइड किया है थैंक यू